हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इन अल्टरनेटर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को ब्रेक फैक्टर, वाइंडिंग फैक्टर और स्प्रेड फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर के वीडियो में हमने ईएमएफ इक्वेशन अल्टरनेटर का डिराइव किया था। ईपी इज इक्वल टू केपी केडी 4.445 एफ टी पी। तो वो इक्वेशन में केपी और केडी वो पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। तो इस वीडियो में हम केडी का इक्वेशन डिराइव करेंगे जो कि है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अभी बात करते हैं अल्टरनेटर के आर्मेचर वाइंडिंग की। तो अल्टरनेटर का जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है जिसमें ईएमएफ जनरेट होता है, वो वाइंडिंग बेसिकली टू टाइप्स होती है। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग और दूसरी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। बेसिकली अल्टरनेटर थ्री फेज होता है। तो अल्टरनेटर में जो स्लॉट्स होते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के लिए, तो आर्मेचर स्लॉट्स को तीन फेज में डिवाइड किया जाता है। तो बेसिक हम एग्जांपल लेते हैं 36 स्लॉट्स का, तो तीन फेज के लिए टोटल 12 स्लॉट्स मिलेंगे और उसके अंदर हम हमारी एक फेज की वाइंडिंग 12 स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर ये जो एक फेज की वाइंडिंग है उसको हम एक ही स्लॉट में रखते हैं, मीन्स 12 स्लॉट्स अलग अलग स्लॉट्स यूज नहीं करते, और सारी जो कॉइल है एक फेज की वो अगर एक ही स्लॉट्स में रखेंगे तो वो वाइंडिंग को हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, जो कि प्रैक्टिकली नहीं है, बस थियोरिकली है। बट हमें वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करनी है 12 स्लॉट्स में, तो हम एक फेज की वाइंडिंग डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। नाउ अभी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो हम यूज करते हैं, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ईएमएफ इक्वेशन में इंक्लूड होता है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग यूज किया तो ये केडी फैक्टर ही ईएमएफ इक्वेशन में नहीं आएगा, बट वो प्रैक्टिकली नहीं है। सो दैट्स व्हाई हमें वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट वाइंडिंग से ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं केडी जो है वो है हमारा रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग डिवाइडेड बाय टू ईएमएफ ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। ये दो वाइंडिंग का ईएमएफ का रेशियो है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से हमें ईएमएफ मिलता है वो हमारा वेक्टर समेशन होता है, और जो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग से ईएमएफ मिलता है वो अरिथमेटिकल सम होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से जो हम वाइंडिंग रखते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स में, सो हर एक स्लॉट के अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगा और वोल्टेज जनरेट होगा, तो वो वोल्टेज में एक फेज एंगल होता है। दैट मीन्स कि एक स्लॉट का जो वोल्टेज है, तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है ए बी, और दूसरे स्लॉट का वोल्टेज है वो है बी सी में, तो ये ई एस वोल्टेज है और ये ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो ये दोनों ईएमएफ में एक एंगल होता है। वैसे हर एक स्लॉट्स जो हमने यूज किया है वो हर एक स्लॉट्स में जो ईएमएफ जनरेट होता है, तो वो हर एक के अंदर दोनों ईएमएफ के बीच में एक वोल्टेज का फेज डिफरेंस होता है। सो दैट्स व्हाई ये फेज डिफरेंस की वजह से सब ईएमएफ एक फेज में नहीं होते। सो दैट्स व्हाई फाइनली ईएमएफ फाइंड करने के लिए हमें उसका वेक्टर समेशन करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में। और अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग यूज करते हैं तो सारी कॉइल एक ही स्लॉट्स में होंगी, सो दैट्स व्हाई एक स्लॉट में होने की वजह से उसी कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट होगा वो सेम होगा, मीन्स उसमें फेज डिफरेंस नहीं होगा। हम उसका सिंपल सा कनेक्ट एरिथमेटिक समेशन कर सकते हैं, सो दैट्स व्हाई उसका समेशन एरिथमेटिक आएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग अगर हम यूज करते हैं तो उसका समेशन हमारा वेक्टर समेशन आएगा। तो ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के वेक्टर समेशन फाइंड करने के लिए है। तो सिंपल ये ई एस जो लिखा है वो चार अलग अलग स्लॉट्स के ईएमएफ है और हर एक के बीच में बीटा डिग्री फेज एंगल है। यहाँ पे उनका एक ओरिजिन लिया है जिसका नाम दिया है पॉइंट ओ, और उसका जो लेंथ है वो है आर। हर एक के बीच में एंगल बीटा है। नाउ ये टोटल एंगल है हमारा एम बीटा। वहां पे एम जो है वो हमारा स्लॉट पर पोल पर फेज है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं वेक्टर समेशन। तो वेक्टर समेशन फाइंड करना है टोटल रिजल्टेंट सम। तो ये जो चार अलग अलग ईएमएफ है उसका रिजल्टेंट हमें मिलेगा ए ई। तो जो वेक्टर समेशन है वो ए ई का हमें फाइंड करना है। तो ए ई इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ ई हम लिख सकते हैं। ए एफ और एफ ई दोनों सेम है, सो दैट्स व्हाई ट्वाइस ए एफ। नाउ अभी ये हमें ए एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए एफ की वैल्यू मिलेंगी ये ट्राइंगल में से, ट्राइंगल ए एफ और ओ। नाउ इसका जो एंगल है
वो हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स टोटल एंगल एम बीटा है तो ये जो एंगल है वो होगा एम बीटा बाई टू। तो ई एफ की वैल्यू ये ट्राइंगल पे से हमें मिलेगी आर साइन एम बीटा बाई टू। तो फाइनली वैल्यू मिलती है हमें ट्वाइस आर साइन एम बीटा बाई टू, ये वैल्यू है हमारी वेक्टर समेशन के। नाउ अभी एरिथमेटिकल सम फाइंड करते हैं। तो एरिथमेटिकल सम फाइंड करने से पहले हम फाइंड करेंगे ई एस की वैल्यू। तो ई एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां पे हमने ट्रायंगल यूज किया है ए बी और ओ। तो ई एस इज इक्वल टू ए बी ले सकते हैं, कोई भी एक फेज हमें लेना है तो हमने लिया है ए बी। सो ए बी इज इक्वल टू ई एस है, बट ए बी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है ए पी प्लस पी बी। सो दैट्स वाई ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए पी, क्योंकि ए पी प्लस पी बी दोनों सेम ही है। सो ए पी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे ट्राइंगल ओ ए और पी से, और ये एंगल है हमारा बीटा बाई टू, क्योंकि एक हमारा ई एस है उसका एंगल बीटा है, हमने उसका हाफ लिया है, सो दैट्स वाई ये एंगल होगा बीटा बाई टू। तो उसकी फाइनल वैल्यू मिलेगी आर साइन बीटा बाई टू ए पी की। सो फाइनली ई एस की वैल्यू मिलेगी हमें टू आर साइन बीटा बाई टू। नाउ ये जो वैल्यू मिली वो हमें मिली सिर्फ एक वोल्टेज की और एक स्लॉट्स में जो कॉइल है उसके वोल्टेज की। हमारे पास टोटल एम बीटा दैट मीन्स एम नंबर्स ऑफ स्लॉट्स है, सो टोटल एरिथमेटिकल सम करने के लिए एम ई एस होगा, सो मल्टीप्लाई बाय एम होगा, और एम की वैल्यू है स्लॉट पर पोल पर फेज। सो फाइनली एरिथमेटिकल सम हमें मिलेगा एम ट्वाइस आर साइन बीटा बाय टू। तो यहाँ पे एक वेक्टर समेशन भी मिल गया ट्वाइस आर साइन एम बीटा बाय टू, और एरिथमेटिकल सम मिल गया एम ट्वाइस आर साइन बीटा बाय टू। तो फाइनली हमें फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वो है हमारा ई एम एफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग डिवाइड बाई ई एम एफ ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। तो वैक्टर सम डिवाइड बाई एरिथमेटिकल सम, तो वैक्टर सम आया हमारा ट्वाइस आर साइन एम बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई एम ट्वाइस आर साइन बीटा बाई टू, ट्वाइस आर कैंसल होगा। सो फाइनल इक्वेशन हमें मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का, वो है साइन एम बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई एम साइन बीटा बाई टू। तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का इक्वेशन। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ईएमएफ इक्वेशन में तभी गिना जाता है जब भी हमें जो वाइंडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज की होती है, अदरवाइज ये केडी वैल्यू ईएमएफ इक्वेशन में नहीं आती। तो ये सिंपल सा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है जो कि ऑल्टरनेटर के ईएमएफ में कैलकुलेट किया जाता है।